खुद सिंगल हूँ। अच्छा, तो सिंगल में तो ज्यादा कर नहीं पाएंगे, इसलिए 6-7 ही कर। आदमी नए अगर शुरू करेंगे तो उनके लिए तो परेशानी होगी ही होगी, इसलिए कि उनको अनुभव लेना पड़ेगा। तो मेला मंडी से खरीद के लाते तो उसको चला करके देखते हैं, उसका थन देखते हैं, उसका थन का क्या पोजीशन है, उसका थन छोटा है बड़ा है, ये सब बच्चियाँ तैयार करती हूँ। लेकिन अपने गांव पे यहाँ नहीं, शहरों में बच्चियाँ तैयार करना संभव नहीं है। इसके पानी लड़ती है, फीवर आ जाती है, रेड बॉर्डर हो जाती है, बुखार लग जाती है, ये सब परेशानी झेलना पड़ता है। तो कैसे हीट के रास्ता से किया जाता है। अगर ज्यादा हीट में रहती है तो दोबारा करवाना पड़ता है, अगर हीट नॉर्मल रहती है तो एक बार नहीं हो जाती है। अपना ये खुद का रोजगार है, हम खुद कमा रहे हैं, इससे अपने मन मौजी है, जब मन जब खराल हटा सकते हैं, जब मन। अभी के समय में गाँव देहात में भी जो है हर जगह दाना खिलाया जाता है, खली चोकर भूसा दाना चलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, मैं हूँ बिहार की राजधानी पटना में, और आप हमारे पीछे ये छोटा सा डेयरी फार्म देख पा रहे हैं। काफी कम एरिया में, काफी खर्च कम क्षेत्र में है, और यहाँ पे हमेशा आप देखेंगे तो 6 से 7 पशु ही रखती है, यानी कि एक लिमिटेड संख्या में। और इनका जो मानना है, जो डेयरी फार्म का अनुभव, 20 वर्षों का अनुभव है, बहुत अच्छी जानकारी इन्होंने इस वीडियो में दे रखी है। कैसे खिलाते हैं, कितना मुनाफा हो जाता है, अगर कोई युवा डेयरी फार्म करना चाहता है तो कैसे शुरुआत करे, बहुत सारी चीजों पर, बहुत सारे बिंदुओं पर हमने इस वीडियो में बात कर रखा है। तो आइए हम इस युवा साथी से बात करेंगे, पूरी की पूरी जानकारी लेंगे। उसके पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल पर हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस करें, ताकि जब भी इस तरह का वीडियो बना तो आपको अपडेट जो मिलता रहे। आप देख सकते हैं यहाँ पे भूसा वगैरह सब कुछ रखने का यहीं पे है, और कहीं कुछ बाहर नहीं, इसी पूरे 4 दीवारी के अंदर में इस फार्म को करते हैं। और दूध सुबह शाम इसकी बिक्री जो है दरवाजे भी लेकर के करते हैं, और खुद यहाँ से भी कुछ दूध को अच्छे रेट में बेचते हैं। मतलब डेयरी फार्मिंग का अगर स्वादा देखा जाए तो दूध का रेट अगर अच्छा हो तभी मुनाफा होता है, तो इनका मुनाफा का जो राज है वो दूध का रेट ही है। तो आइए हम सर से बात करेंगे जानकारी। नमस्कार सर, स्वागत है हमारा जी। नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर आप अपना परिचय बता दीजिएगा, और ये आपका छोटा सा डेयरी फार्म कहाँ पर ये बता दीजिएगा। जी मेरा परिचय, मेरा नाम राजेश यादव हुआ। अच्छा, मैं लालगंज का रहने वाला हूँ जी। ये डेयरी मेरा पटना शहरों के बीचे बीच गुड़की मंडी के स्थित है। अच्छा, और ये डेयरी हमारे पापा जी के समय से चल रहा है, जो 30 सालों से है। अच्छा, लेकिन ये मेरे अंडर में 20 सालों से है। अच्छा, ठीक है, 20 सालों से डेयरी को हम चला रहे हैं। तो कितनी गायों से मतलब आप चला रहे हैं? जी मैं 6 गायों से चला रही हूँ। हमेशा 6 गाय रखते हैं? कभी 6 रहती है, कभी 7 रहती है। अच्छा, 6-7 ही रखते जी? 6-7 ही रखते, उससे ज्यादा नहीं रखते, क्योंकि मैं खुद सिंगल हूँ। अच्छा, तो सिंगल में तो ज्यादा कर नहीं पाएंगे, इसलिए 6-7 ही गाय रखते हैं। अच्छा, तो 6-7 गाय रखते हैं सर, कितना समय व्यतीत करते हैं इसमें? समय तो सुबह में आपको 4 घंटे लग जाती है, फिर शाम में 4 घंटे लग जाती है। अच्छा, दूध बांटने वगैरह सब लेकर? जी जी, यहाँ काउंटर पे भी दूध बेचते हैं, अपना होम डिलीवरी करते हैं। अच्छा, तो जैसे जब आप शुरुआत किए थे तो मतलब आपको परेशानी क्या क्या होता था सर? परेशानी तो हमको फिलहाल कुछ नहीं हुआ था, इसलिए कि चूंकि हम पापा जी के साथ रहते थे तो हमको अनुभव था। अच्छा अच्छा, इसीलिए हमको परेशानी नहीं हुई। और जो आदमी नए अगर शुरू करेंगे तो उनके लिए तो परेशानी होगी ही होगी, इसलिए कि उनको अनुभव लेना पड़ेगा जी, इसलिए उनको थोड़ी सी परेशानी तो होगी। अच्छा, तो पशु की खरीदारी मतलब आप कहाँ? पशु खरीदारी हम जरुआ मंडी से करते हैं, मधौल मंडी से करते हैं। अच्छा अच्छा, और जैसे मंडी में तो हम सुने कि सर ठगा जाता है लोग, तो क्या ऐसा भी आपके साथ होता है? जी ऐसा तो मेरे साथ नहीं हुआ अभी तक, क्योंकि हमारे पास उतना अनुभव है। अच्छा, आज भी संडे दिन है, आज भी हम मेला जाएंगे गाय लाने के लिए। जैसे मतलब कोई गाय है, कैसे दुधारू है, क्या है, कैसे पहचान लेंगे सर? गाय हम लोग मेला मंडी से खरीद के लाते तो उसको चला करके देखते हैं, उसका थन देखते हैं, उसका थन का क्या पोजीशन है, उसका थन छोटा है बड़ा है, ये सब देखा जाता है। चला के देखा जाता है कि पैर से लंगड़ा रही है कि नहीं लंगड़ा रही है, तब हम लोग खरीदते हैं। तो जैसे कितने लीटर वाली पशु मंडी से आप खरीदना पसंद करते हैं सर? 15 लीटर से ऊपर वाली, 15 लीटर से जो ऊपर दूध देने वाली है वही पशु खरीदते हैं मंडी से। अच्छा, हाईएस्ट मतलब कितने लीटर? हाईएस्ट वही 22-25 तक होती है। 22-25 तक जी खरीद लेते हैं। तो 22-25 तक अगर देखा है तो सर गाय कितने में मिल जाती है? 22-25 तक वाली गाय आपको 50,000 से ऊपर लगती है, 50,000, 60,000, 65,000। अच्छा, मंडी से? जी मंडी से। और हम तो हर तरह का गाय खरीद लेते हैं, 40,000 वाला भी खरीद लेते हैं। अच्छा अच्छा, 50 वाला भी खरीद लेते हैं। 40,000 में सर कितने लीटर वाली गाय? 12-13 लीटर दूध करेगी। 12-13 लीटर दूध करेगी। तो जैसे बहुत सारे लोग सर जाके ठगा जाते हैं, तो मतलब किस तरह का धोखाधड़ी मंडी में होता है? मंडी में धोखाधड़ी होता है, जो आदमी नए गए मंडी से गाय लाने के लिए, उनको तो व्यापारी लोग से जान पहचान नहीं है, तो उसमें क्या होता है, व्यापारी को तो एक दिन में लाना है और बेचना है, उसमें व्यापारी लोग उसको ठग सकते हैं। लेकिन हम लोग का तो हर संडे और मंगलवार को जाना है, तो उसमें हम लोग सभी लोगों से जान पहचान है, इसलिए हम लोग ठगी का शिकार कभी नहीं होते हैं। तो जैसे बहुत सारे लोग सर बच्चियाँ तैयार करना इस तरीके का काम करते जी नहीं तो बच्चियाँ तैयार करती हूँ, लेकिन अपने गांव पे यहाँ नहीं, शहरों में बच्चियाँ तैयार करना संभव नहीं है। इसके पीछे कारण सर? कारण है कि बच्चियाँ तो यहाँ शहरों में हर चीज महंगा है, यहाँ तो सिर्फ दूध देने वाले ही रखने में फायदा है। अच्छा, यहाँ अगर बच्चियाँ रखेंगे तो सब तो खा जाएगी, तो हम लोग को बचेगा क्या? अच्छा, तो दूध जैसे 15-16 लीटर वाली आप गाय लेकर के आते हैं जी, तो वो कितना दिनों तक आप उसको अपने यहाँ रखते हैं? उसको 6 से 8 महीने तक रखते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर उसको बेच देते हैं या अपने गांव भेज देते हैं? 40-45 लीटर वाली मान के चलिए दूध? जी नहीं, उतने 40-45 लीटर वाली गाय, 40-50 हजार का गाय अगर लेकर के आते हैं, 8 महीने के बाद बेचेंगे तो कितना बेचेंगे आप उसको? वो आपको आधा में बिकेगी।
अच्छा आधा में बिके जी 25 से 28 हज़ार तक बिक जाएगी। तो मतलब उसका दाम निकल जाता है दूध से? हाँ, तो उतना दूध से निकल जाती है। अच्छा दूध से निकल जाता है तब भी बेचते हैं आप। अच्छा तो अब हम ये आपसे जानना चाहेंगे, जैसे तो मतलब क्या इसमें ऐसे करके मुनाफा हो जाता है? जी मुझे तो मुनाफा हो जाती है। अच्छा क्यों ऐसे, कितना लीटर दूध निकालते हैं आप 6 या 5 गाय से? सर 80 लीटर दूध निकालते हैं। 80 लीटर हमेशा निकालते रहते हैं? ये मतलब पूरे साल 80 लीटर रहता है कि? नहीं पूरे साल 80 लीटर रहता है। अच्छा पूरे साल रहता है जी। तो जो 80 लीटर दूध किस रेट से बेचते हैं सर? अभी तो 58 रुपये रेट से बेच रहे हैं। अच्छा और खिलाने वगैरह का खर्चा देखा जाए तो कितना हो जाता होगा सर? वही 350 से 400 के करीब में हो जाती है रोज का। जी रोज का। पूरे गायों का कि सिर्फ एक गाय का? एक गाय का 400 करीब में खर्चा। जी करीब में तो मतलब अगर 6 गाय है तो 2400 जी जी आपका खर्चा। जी और 80 लीटर दूध है तो सर 48-60 के रेट से बेच रहे हैं। जी 60 में वही होम डिलीवरी करते हैं तो 60 रुपये मिलती है। अच्छा 48 मानी कि 2500 और खिलाने का और 4800 जो है आपका दूध बेचते हैं, मतलब आपका लगभग 40% का मुनाफा आपके पास है सर। तो अब इसके परेशानी के बारे में, गाय के परेशानी के बारे में जानना चाहेंगे, तो क्या क्या परेशानी झेलना? गाय के परेशानी तो झेलना पड़ता है, हम लोग मंडी से गाय लाते हैं तो यहाँ जब शहरों में आती है, गांव की गाय रहती है उसको एक बार पानी लगती है, फीवर आ जाती है, रेड वाटर हो जाती है, बुखार लग जाती है, ये सब परेशानी झेलना पड़ता है। तो कैसे इस परेशानी से निजात? तो परेशानी से निजात हम लोग को अनुभव है, हम लोग तुरंत देख लेते हैं गायों की ऐसी ऐसी परेशानी है, उसका तुरंत इलाज करते हैं। और जो आदमी नए है उनको तो अनुभव है नहीं, तो वो तो खाए गाय खाना खाए दूध दे रही है सोचते रहते हैं, उसमें गाय को दिक्कत हो जाती जैसे है। रेड वाटर आखिर क्यों होता है सर? रेड वाटर जब फीवर गाय को 3 से 4 दिन रह जाती है तो गाय को रेड वाटर हो जाएगी। रेड वाटर में होता क्या है? रेड वाटर में गाय की पेशाब जो है लाल हो जाती है। अच्छा। खाना नहीं खाएगी जी। उसके बाद जब रेड वाटर अगर 2-3 दिन रहेगी तो उसको जॉन्डिस हो जाती है। अच्छा। और जॉन्डिस हो जाने के बाद गाय बुरी तरह बीमारी ग्रस्त हो जाती है। अच्छा तो मतलब पैसा तो दवाई में लगेगा? एकदम लगेगा ही, दूध भी कम जाएगी पैसा भी लगेगा, दोनों दिक्कत है। और थन वगैरह का, थनेला वगैरह का कुछ ऐसा? थनेला वगैरह का दवा हम लोग होम्योपैथी करते हैं, खुद होम्योपैथी करते जी, खुद करते, उतना अनुभव है अपना, थनेला का इलाज खुद करते हैं। अच्छा तो पहचानते कैसे हैं सर कि थनेला हुआ है नहीं हुआ है? थनेला दूध दुहते समय जी थन कड़ा हो जाता है जी, उसको दूध दुहने में दर्द होता है, इसीलिए उसको हमको लगता है कि वो थनेल हो गया है। अच्छा दूध दुहते हैं तो उसमें से छटका निकलती है, दूध का जमा हुआ जी, इसीलिए हम लोग समझ जाते हैं कि उसको थनेल हो गया। तो उसका उपचार क्या करते हैं? घरेलू उपचार करते हैं? घरेलू उपचार भी करते हैं, होम्योपैथिक दवा भी देते हैं। घरेलू उपचार? घरेलू उपचार में उसको खाए वाला सोडा और चीनी देते हैं। कितना समय तक देते हैं सर? बस 3 टाइम देते हैं। 3 टाइम देते हैं जी। तो पशु मतलब हीट करा के बेचते हैं या मतलब AI करा के बेचते हैं या ऐसे ही बेचते हैं? AI करा कर ही बेचते हैं, ऐसे ही बेच देते हैं। अच्छा, 6 से 8 महीने रखने के बाद हम लोग बेच देते हैं, फिर दूसरे पशु लाते हैं। अच्छा तो जैसे AI मतलब समय पर हो जाता है? हाँ AI समय पर हो जाती है। कितने महीने पे सर? 6 महीने के बाद। 6 महीने के बाद करा लेते जी। अच्छा एक बार में कंसीव कर जाती है कि 2 बार में सर? सब गाय सब तरह की होती है ना, कोई एक बार में हो जाती है, कोई 2 बार में होती है, कोई 3 बार में होती है, किसी को इलाज भी कराना पड़ता है तब होती है। अच्छा मतलब समय समय पर आपको AI कराने जी जी। तो जैसे AI रिपीट कराते हैं कि एक ही बार मतलब हो जाता है ये बताइए? अगर पड़ता है जैसे आप ही 6 बजे सुबह में डलाएं तो शाम को ऐसा वो देखा जाता है, हीट के रास्ता से किया जाता है, अगर ज्यादा हीट में रहती है तो दोबारा करवाना पड़ता है, अगर हीट नॉर्मल रहती है तो एक बार में ही हो जाती है। अच्छा तो हमने सुना है सर समय का भी कुछ ऐसा प्रभाव होता है क्या कि जैसे हीट में अभी सुबह 6 बजे तो कब हम उसका सीमन दिलवाएंगे सर? फिर कल सुबह 6 बजे कल सुबह 6 बजे जी, उससे आपको ज्यादातर 90% उम्मीद रहती है कि वो गाभिन रह जाएगी। तो 20 सालों से सर डेयरी फार्मिंग आप कर रहे हैं, तो मतलब आपको ऐसा नहीं लगता कि इस लाइन में बहुत गलत लाइन है ऐसा कुछ? सर ये बताइए। हमको तो ऐसा नहीं लगता, हमको तो बहुत अच्छा लगता है। क्यों ऐसा, इसके पीछे कारण बताइए। कारण है कि अपना ये खुद का रोजगार है, हम खुद कमा रहे हैं इससे, अपने मनमौजी है, जब मन जब कर खटाल हटा सकते हैं, जब मन करते खटाल रख सकते हैं। अच्छा और जैसे अगर कोई नया साथी इस लाइन में अगर आना चाहता है तो उसके लिए आप क्या? उसके लिए पहले 6 महीना आकर के यहाँ पर ट्रेनिंग लेना पड़ेगा जी, किसी भी डेयरी फार्म में जाकर ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, उसके बाद वो कर सकता है। मतलब ट्रेनिंग लेने के बाद ही करें जी, मतलब ऐसे के बाद ऐसे भी कर सकता है लेकिन उसमें उसको दिक्कत हो सकती है। और कितने पशु से शुरुआत करना चाहिए सर? आप कम से कम 3 पशु शुरुआत कीजिए। अगर एक बार ही ज्यादा पशु अगर 10 से 20 गाय रख लीजिएगा तो उसमें भी आपको दिक्कत हो जाती है, इसलिए कल का अनुभव नहीं है जी। जी तो 2-3 समस्याओं के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे पशु सर कभी कभी होता है कि जेर फंस जाता है जी, तो जेर क्यों फंसता है इसके बारे में सबसे पहले बताइए। सबसे पहले जेर फंसती है इसलिए कि यहाँ पर शहरों में गायों को हरा चारा नहीं मिलती है। अच्छा हरा चारा नहीं मिलती है, उससे कैल्शियम में कमी होती है, उसी कैल्शियम में कमी के कारण जड़ गाय को फंस जाती है। अच्छा अच्छा और अभी के समय में गांव देहात में भी जो है हर जगह आप दाना खिलाया जाता है, खली चोकर भूसा दाना पर चलता है, हरा चारा गांव में भी बहुत कम हो गया, इसी कारण गाय को जड़ ज्यादा फंसती है। अच्छा और जेर अगर फंस जाता है भाई देवे तो उसका क्या उपचार कर सकते हैं सर? उपचार जब जड़ निकलने का दवा देते हैं, अगर जड़ 10 से 12 घंटा के अंदर में नहीं निकली तो फिर उसको हम लोग हाथ से निकालते हैं। अच्छा अच्छा और जैसे आपके हमारे भोजन भाजन में क्या दिया जाता है, क्या क्या भोजन में? हम लोग खली चोकर दर्रा राहर का चुन्नी जी यही देते हैं। अच्छा कितनी कितनी मात्रा में कैसे कैसे देते हैं सर, थोड़ा समझाइएगा इसको। ये सुबह का 4 किलो और शाम का 4 किलो। अच्छा
तो क्या सब मिला करके एक सब मिक्स करके देते हैं, उसको पकाना पड़ता है, दर्रा पकाना पड़ता है गेहूं का और मकई का। अच्छा, और खली वगैरह? खली वगैरह सब ऐसे ही सूखा पड़ता है। खली किस चीज का देते हैं? खली तीसी का देते हैं। तीसी का जी? अभी मतलब तीसी का पूरे साल देते हैं, बदल देते हैं? नहीं, तीसी का पूरे साल चलता है, सिर्फ जाड़ों के दिनों में सरसों का खली चलता है। कितना मात्रा में देते हैं? 100 ग्राम के मात्रा में एक गाय को। खली अगर न दिया जाए तो फिर क्या दिक्कत आती है? खली अगर नहीं दिया जाए तो खाने में परेशानी होती है गाय को। खली रहता है तो जल्दी से खा लेती है, क्योंकि हम लोग के यहाँ शहर में हर काम टाइम से होती है। अच्छा, इसीलिए जल्दी दिया जाता है कि खली से जल्दी गाय खा ले। और एक दो तीन समस्या सर होती है, जैसे बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि सर डेयरी फार्मिंग 15-16 लीटर वाली गाय लेकर के आए तो हमको फायदा नहीं होगा, तो कैसा है क्या? वैसा है, अब अपना अपना अनुभव है। हम लोग को तो अनुभव है कि 15-16 लीटर जो दूध देती है गाय उसमें हमको फायदा पहुँचाती है। अच्छा, तो आखिर क्यों अब 20-25 लीटर वाले क्यों नहीं लेकर के आना है? इसलिए नहीं लेकर के आते हैं कि यहाँ शहर है जी। शहरों में 20-25 लीटर दूध देने वाली गाय को थोड़ा दिक्कत हो सकती है, उसको बार बार थनेल का शिकार होती है, बार बार उसको बुखार आती है, इसी कारण हम लोग ज्यादा दूध वाले गाय नहीं रखते हैं। अच्छा, और जानना चाहेंगे कि कैल्शियम मिनरल भी देते हैं आप इनको? जी, मिनरल मिक्सचर देते हैं, निफा गोल्ड। कितनी कितनी मात्रा में देते हैं सर? एक गाय को 50 ग्राम देते हैं। अच्छा, और कीड़ी का दवा वगैरह भी? कीड़े का दवा भी देते हैं, हर गाय को 3 महीने पे कीड़े का दवा देते हैं। अच्छा, हर एक गाय को 3 महीने? जी, 3 महीना कीड़ा का दवा देने के बाद उसको लिफ 52 लिवर टॉनिक पिलाया जाता है। अच्छा, कितने दिनों तक सर? बस 3 से 4 दिनों तक। अच्छा, तो मतलब कुल मिलाकर के आप इसे व्यवसाय से संतुष्ट है? पूरी तरह संतुष्ट है। इसके अलावा भी कोई व्यवसाय? इसके अलावा मेरे पास कोई व्यवसाय नहीं, हम इसी से संतुष्ट है। तो पूरा घर परिवार सब? जी, पूरा घर परिवार इसी से चलाते हैं। अच्छा, चलिए सर, काफी अच्छी आपने जानकारी दी हमारे दर्शकों के लिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर।